सेनेट इलेक्शन इस वक्त सर पे हैं और आपकी जो एक एफर्ट इस वक्त आप कर रहे हैं जिसकी आपने एक मिसाल दी गुज़त सेनेट इंतबा में के पी के से जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की उनको आपने सख्त एक एग्जाम्पल बनाया तमाम लोगों के लिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मंडियाँ लगा करती थी उनको ख़त्म करने के लिए आप जो एफर्ट करने जा रहे हैं अपोजिशन बाहर साथ देती दिखाई नहीं दे रही आप कोर्ट में भी जा रहे हैं क्या हमत अमली होगी इमरान खान की मुस्तबिल के लिए एक रोल मॉडल सेट करने के लिए सैनट इलेक्शन को बसपी देखिए जब से ये सैनट तीस साल से तो मुझे पता है तीस साल से कि सनेट इलेक्शन में बोलियाँ लगती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं पैसा ऊपर तक जाता है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हुए हैं सैनट इलेक्शन में तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला पाँच पाँच करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं कमेटी बैठी कमेटी ने पूरी तहकीकत की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि पाँच पाँच करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं जिनको हमने पार्टी से निकाला सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है पॉलिटिशियंस को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं ऑफर्स मिल रही हैं हमें पता है हमें अपना भी हमें यह भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है किस असम्बली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए तो जब ये सबको पता है मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर वन जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है बड़ा एक रोल होता है एक, फे, एक फेडरेशन के अंदर क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को अब अगर वो पैसे दे के पे से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे वो कोई हाथम हैं जो कि वो पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे दूसरी चीज़ वो कैसे अगर कोई पैसे दे के आएगा वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को उसके अलावा वो जो एम पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे ये कौन सी जमूरीत के अंदर है ये कौन सी किस किस्म की जमूरीत है तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ पहले हम अदालत में भी हम हम गए हैं हम अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असम्बली में दोनों मेन पार्टीज़ ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए तो मैं अब ये हम हमारी पता है सबको कि हमारे पास टू थर्ड्स मेजोरिटी नहीं है उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह अब अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में आपको जो है वो के थी। लेकिन उसमें वो नाकाम रही पहले लॉन्ग मार्च की धमकी दूसरे ऑप्शन लेकिन नाकाम रही लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है की जहाँ पे एक बड़ी अपोजी जमात है उसके अरकान संगली हर दूसरे रोज वजी उस्मान से मिलते हैं और उनकी क्यादत पर और पी टी आई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि पी पी आई पर अहतमद का इजहार कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि सैनेट के बाद इस पी डी एम का क्या मुस्किल है ये पी डी एम जो अब मुख्तु बहरानों में जो चैलेंजेस देने में नाकाम रही है सैनेट के इंतब के बाद इनका क्या सूचे देख रहे हैं पी डी एम ने फेल होना था मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा मैंने कैबिनेट में ये कहा मैंने मीडिया पे ये कहा क्यों फेल होना था इन्होंने क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़ निकलती है वो उन हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली आ, अभी लेबनन में देखें पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ इराक़ में निकली है वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली और ये, ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझे और ये साबित हो गया मीार पाकिस्तान जो हमने चार दफ़ा भरी है क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे आप जितने मर्ज़ी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए कभी भी नहीं भरा जाता तो ये जो फ्लॉप हुआ है ए पी इसने होना था सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैक कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें आप एन नहीं देते यानी हम हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ़ नहीं करते तो इसने तो फेल होना ही था और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टीज इकट्ठा रखते हैं जी हुकूमत कल जा रही है हुकूमत परसों जा रही है हुकूमत दो महीने में ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे क्योंकि नज़रिया तो है ही नहीं किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंडन बैठा हुआ है बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं वो जवाब नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है और वहाँ बैठ के वो समझ रहे कि इनकलाब आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई आ, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है लेकिन सम परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है आ, दो चीज़ें जिसके ऊपर बाकी चीज़ें तो आ, सामने आई लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो आ, जो रूल ऑफ लॉ है उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं पिछले दो सालों में तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए क्या समझते हैं आप पार्लियामेंट चलती कैसे पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है एक अपोजिशन होती है पार्लियामेंट चलती है ऐसे जब अपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदही करें और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहा कि हमारी चोरी माफ करो हमें एन आर ओ दे दो नहीं तो हम चलने नहीं देंगे और जो इन्होंने किया आपके सब के सामने हैं कि पहले दिन से शुरू हो गए कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं खोलें इलेक्शन कभी कहें जी माशीलात बुरे हैं वो मैशत के तो जिम्मेदार ही हैं तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआर वो दे दें फिर फैटफ़ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैक किया क्योंकि फैटफ़ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था और ब्लैक लिस्ट का मतलब यहाँ सैक्शन लग सकती थी तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैक करना शुरू और फिर बाकायदा लिख के दिए हैं कि चौंतीस शिके चेंज करो अठतीस में से यानि नाप को खत्म कर दो तो जमहूरीत तो नहीं चलती ऐसे जमहूरीत तो चोर इकट्ठे हो जाए और हमारी चोरी छोड़ दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे तो ये तो जमूरियत नहीं चलती और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगु होना चाहिए था जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं मेरा नाम नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर साहब मैं टेलीविजन हूँ मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा और उन नामों पर मेरा सवाल बेज करेगा फिर से शहजाद अकबर मुराद सईद डॉक्टर शहबाज गिल ये एक ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पर डिपेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियाँ करते हैं दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है मुखालफत होती है सेम जैसे उस्मान बुजार साहब को आप लेके आए हैं कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया दूसरे इन्होंने काम किए वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो आ, कोई आठ दस लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है चक्कर में हैं तो आप इस मैच में अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करें अपोजिशन और तौर पर इनके जो बड़े बड़े नाम और डाकू जब ये तनकीद किसी करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर उ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के तो मैं मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुलायम अगर ये मेरी तारीफ करें तो मैं अपनी तोहन समझू क्योंकि ये इन्होंने तीस साल से पैंतीस साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं फिरदौस की इसकी शबाज़ की और मुराद सईद की तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़ और जहाँ तक अंदर है बदकस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में अंदर आ, आ,

जो सियासी माफिया था इतनी उनके ऊपर आपने हाथ डाला पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया का ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है लाहौर में खोखर पैलेस हो दीगर कब्जा माफिया हो बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए इस हवाले से क्या इकदाम करें पाकिस्तान में जो कब्जा माफिया फैलते गए हैं बढ़ते गए हैं आ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्ज़ा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा बड़े बड़े पॉलिटिशन्स बल्कि पॉलिटिशन्स ख़ुद कब्ज़ा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं वो खुद ज़मीनें कब्ज़ा करते हैं और ये कब्ज़ा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो खोकर पैलेस गिराया गया और मरीम आवाज़ वहाँ पहुँच के खड़ी हो के उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की एक एक, एक कब्ज़े कब्ज़ा माफिया की इससे क्या चीज़ सामने आती है इससे नंबर वन चीज़ तो ये सामने आती है कि इस ये जो इसने मरीम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले कि इस ये जो इसने मरियम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने ज़मीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ था क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है रजिस्ट्री लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाजे लिखा हुआ है कि इसकी ज़मीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है सवा अरब रुपए की जमीन यानी 130 करोड़ रुपए की जमीन के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ था और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फरार हुआ हुए पैसे चोरी करके उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने सवा अरब रुपए की गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्ज़ा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस, इस कब्ज़ा माफिया को और फिर इस कब्ज़ा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो वो भी पता चले कि कैसे क्या क्या खदमत करता था इसका मतलब कि ये पहले कब्ज़ा ग्रुप की की पुष्ट पे खड़े होते हैं फिर उससे फ़ायदे उठाते हैं अब अगर तीसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्मेंट यानी मुल्क के का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्ज़ा ग्रुप के साथ तो फिर इंतज़ामिया क्या, क्या क्या कसूर है वो फिर क्यों ना अपने कब्ज़ा ग्रुप पालें फिर पुलिस क्यों ना अपने अपने कब्ज़ा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है तो ये जो कब्ज़ा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है शहरों में सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं वो बेचारे मेहनत कश के कमाई करके ज़मीन ख़रीदते हैं उसके ऊपर कब्जा हो जाता है ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशन हैं ये खड़े होते हैं तो इन शोलिटिशन के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना कोई एन नहीं मिलेगा और इनके जो नीचे बैठे हुए अब पहुँच चुकी है पीपल्स पार्टी और नीग से नाला होकर मौलाना फजलान ने यह स्टेटमेंट दिया है अगर फैसले मरियम और बिलावन ने करने है तो वो पीडीएम के सरबराह है उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉरन फंडिंग और कुछ गैर मुल्की से फंड के हवाले से फंडिंग के से भी केस इलेक्शन के में डाल दिया आपको क्या लगता है कि मौलाना रहमान अब पी डी एम के सरबरा रहेंगे क्या देख रहे हैं कि वो फॉरन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहत फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए जितना भी आप फॉरेन ये इस यानी फॉरेन फंडिंग क्या आप जो अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंथ की अंजाम तक पहुंचे सारी पार्टीज की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन और जब ये स्क्रूटनी करेंगे मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूँ कि एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे उस उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ जिसने बाकायदा पोलिटिकल फंड रेजिंग की है जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके पूरी उनके पता है एड्रेस चालीस हजार हमारे पास डोनर्स के नाम हैं कोई भी उनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकता है कि वो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए मैं चैलेंज करता हूं कि ये एक हज़ार नाम दे, दे दे कोई भी इन पार्टी में से एक हज़ार क्या एक सौ नाम दे दें दे जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए हैं जैसे ही आप पता चलाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज़ ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है वो भी पता चल जाएगा उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए वो खालिद ख्वाजा की पूरी स्टेटमेंट है उसने पब्लिकली उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी हुई हैं ये जो मौलाना फजल को किधर से कौन से मुल्क से पैसे ये भी पता चल जाएगा सब कुछ नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है अपनी आ, आ, अपनी नून लीग के जो आ, 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 वो पार्टी फंड्स के ज़रिए वो भी सामने आ जाएगा मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ और सबसे बड़ा जो इस वक्त मौलाना फजल मान है इसको मौलाना कहते हुए दीनी मौलाना आलम की तोह है ये करप्ट आदमी है जो सिर्फ दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालबिलों को इस्तेमाल करता है ब्लैक मेल करने के लिए और पैसा बनाने के लिए यह बताया कि इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई किधर से हैं लोग मेहनत करते हैं कोई बिजनेस करता है ये बैठे बैठे ही अरबों है इसके तो और फ्रंट मैन के जरिए इसके पैसे बेनामी इसकी जो ज़मीनें हैं किधर से आई हैं क्योंकि ये सारी हुकूमतों में बैठा रहता है सबके साथ मिल के कोई इसको, इसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि फतवा लगा देता सब पे सारे इसको डर के इस इससे कोई पूछता नहीं है और ये पैसे बनाता रहता है और ये स्टेटमेंट दे रहा है जी नैब कौन होती है मुझे बुलाने वाली क्या ये कानून से ऊपर है ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं ये तारीखी जंग चल रही है कानून की बालदस्ती की जंग चल रही है ये जो चोर हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं है सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है नवाज शरीफ वो कहता मैं मानता ही नहीं क्यों निकाला जो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जब अगर इनके अगेंस्ट फैसला फंडिंग में आएगा ये कहें वो नहीं हम मानते इनके ऊपर जब नैब कोई कुछ कहती है वो नैब को नहीं मानते तो मानते किसको है उसको मानते हैं जो इनके हक में फैसला करे बस और ये और हक में फैसला करवाते कैसे हैं जिस तरह इन्होंने वो ब्रीफ केस पहुँचाए थे वो रफीक ने जाके जजेस खरीदने के लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था डंडे लेके ये वो लोग हैं ये माफिया है और ये जो अब तारीखी जंग है ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालदस्ती आएगी ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए ये जंग है इनका असर ठिकाना जेल में है और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इनशाला जेल में रहेंगे कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से ये बड़ा जबरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है एट द सेम टाइमिंग जब सरहद पार दिल्ली में किसानों के साथ इतना जुल्मीती हो रही है मोदी रजीब में बहुत कुछ हमने देखा है और यहाँ पर सब कुछ उल्टा है किसान आपकी तरफ देख भी रहे हैं एग्रीकल्चर पैकेज कब तक आएगा और मजीद किसानों के लिए क्या होने जा रहा है हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम एक पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जो अगले पाँच साल दस साल तक जाए जो कि हमारा पूरा चेंज कर दे एग्रीकल्चर जो सेक्टर सारा इसका एक पूरा एक बड़ा पैकेज आ रहा है जिस जो हमने अपने पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खड़ा करना है